राधे राधे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सांझी माता की पूजा विधि बताऊंगी। सांझी माता की पूजा शाम के समय की जाती है और सांझी माता की पूजा करना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही सरल तरीके से सांझी माता की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम सांझी माता की पूजा के लिए थाली तैयार कर लेंगे। एक हमें थाली में दिया लेना है, रोली लेनी है, चावल लेने हैं, भोग के लिए आप बतासे ले लें या फिर आप चाहें तो कोई मिठाई भी ले सकते हैं, पंचमेवा ले लेंगे और एक लोटा जल ले लेंगे। तो सांझी माता की पूजा के लिए हमारी थाली तैयार हो जाएगी। हमें ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होती है सांझी माता की पूजा के लिए। तो सबसे पहले सांझी माता को रोली से तिलक करेंगे, सांझी माता के भाई को भी रोली से तिलक करेंगे, चांद को भी तिलक करेंगे, सूरज को भी तिलक करेंगे। इसके बाद में जो नौरौते हैं उनको भी हम रोली से तिलक कर देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर दीपक जला लिया है, उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। बहुत ही साधारण तरीके से सांझी माता की पूजा की जाती है। उसके बाद में हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में आपने मिठाई ली है तो उसका भोग समर्पित कर दें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री का, बतासे का, गुड़ का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बतासे लिए हैं, बतासे का भोग समर्पित करूँगी। रोली क्या तिलक लगाने के बाद में हम तिलक पर चावल समर्पित कर देंगे, यानी अक्षत समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने सभी को तिलक कर दिया है। उसके बाद में भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। जल के छींटे लगाते हुए हमें जल समर्पित कर देना है। अब हम आरती करेंगे। तो जो भी आपको आरती आता है वो हम सांझी माता का आरती गाएंगे और आरती करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें जल के छींटे लगाते हुए जल समर्पित कर देना है। तो इस तरह से सांझी माता का पूजन किया जाता है। भोग दोनों समय लगाना होता है, लेकिन पूजा शाम के ही समय होती है। शाम के समय में आरती गाया जाता है और पूजा की जाती है। हर रोज़ पूरे यानी 9 दिन तक सांझी माता की इसी प्रकार पूजा करनी होती है हमें शाम को। अगर सांझी माता की पूजा की ये सरल वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।